हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से SIMS यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो नीट का एग्जाम होगा 6 मई को, उस एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान हमें किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेस कोड से कि नीट के लिए हमारा ड्रेस कोड क्या होगा। तो नीट में आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिंपल टी शर्ट, सिंपल ट्राउजर के अंदर जाना है और चप्पल वगैरह के अंदर जाना। आपको शूज वगैरह, सैंडल्स वगैरह या जो हील्स होते हैं, प्लेटफॉर्म हील्स वगैरह, इसको पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना है। सिंपल टी शर्ट, सिंपल ट्राउजर वगैरह। इसके अलावा नोज पिन और ईयर वगैरह की ये जितने भी सामान होते हैं, इसको आप वहां पर लेकर नहीं जा सकते। ना तो आपके पास कोई फोन होना चाहिए, ना कोई कैलकुलेटर, ना वॉच, ना किसी टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स, इस टाइप की कोई भी चीज आपके पास वहां पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नीट में 2 टाइम स्लॉट दिए हुए, स्लॉट ए और स्लॉट बी। तो स्लॉट ए में जो टाइम लिखा है आपको उस टाइम पर वहां पर अपना रिपोर्ट करना है, और स्लॉट बी का जो टाइम लिखे हैं आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। इसके साथ साथ आपने जो फोटो नीट पे दी है उसी का पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पर लेकर जाना है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे जो फोटोज मतलब दी गई है, सबसे तो पहले वही फोटो हो वहां पे, और बैकग्राउंड उसका लाइट हो, टी शर्ट के कलर लाइट हो, और कोई हेयर क्लिप्स वगैरह ये सब चीजें वहां पर ना हो। आप जब नीट एग्जाम पे जाओ तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज की फोटो और आपके पास एक पेन। अगर आप पेन नहीं भी लेके जाते तो पेन आपको नीट में वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप नीट एग्जाम दे रहे होंगे तो सेपरेटली हर बच्चे की वहां पर वीडियो बनाई जाती है, उसके क्वेश्चन पेपर के साथ, उसकी आंसर शीट के साथ, और उस बच्चे को हमें मतलब हर एक बच्चे का इंडिविजुअल वहां पे वीडियो तक बनाया जाता है। तो इसलिए मतलब कोशिश करना, और साथ में आपको एक आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी वगैरह भी लेके जाने, जिससे कि आपकी पहचान हो सके। और जब आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सिंपल क्वेश्चंस को पढ़ो, उनको सॉल्व मत करो स्टार्टिंग में। और जब आप क्वेश्चन पढ़ने का दिन सॉल्व करते हो तो जैसे आपके पास 180 क्वेश्चंस हैं, इन 180 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस बायो के होंगे, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री के, और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटे के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये 3 घंटे आपको किस तरह डिवाइड करने हैं, इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। देखो, आपके जो 90 बायो के क्वेश्चन है, इसको आपने मैक्सिमम 20 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। 90 क्वेश्चन बायो के अगर आप 20 से 30 मिनट के अंदर कर लेते हो, इसको आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिंपल टिक लगाते हैं या फिर हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन बी, बट वहां पर आपको OMR शीट के अंदर ऐसे ही कंप्लीट सर्कल करना होगा। ठीक है, सर्कल करते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप किस क्वेश्चन को सर्कल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन 5th का आंसर लगाना हो तो आप एक्चुअली गलती से क्वेश्चन 6th या 7th का आंसर लगा दें, इस तरीके से हमारा वो क्वेश्चन शुरू होने से पहले गलत हो जाता है। तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आप किसका कौन सा स्लॉट अगर सर्कल कर रहे हो। इसके अलावा अगर जब आप ये 20 से 30 मिनट के अंदर अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए होगा। बायोलॉजी में सारा का सारा टाइम वेस्ट ना करें, बायोलॉजी में वही क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें जो आपको आते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 50-50% भी लगता है कि वो ठीक हो भी सकता है और वो ठीक नहीं भी हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जो क्वेश्चन आता है 100% पता है कि इसका आंसर ये होगा, सिर्फ उसी क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करें, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ दो। कोई तुक्केबाजी हवाबाजी यहाँ पर काम नहीं आने वाली, क्योंकि एक गलत आंसर कर दे आपके यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन चले जाता है, और एक जो आपने सही क्वेश्चन किए तो उनसे जो मार्क्स इकट्ठे हुए एक माइनस मार्क उसमें से निकल जाता है। तो क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आप श्योर हो जिनको लेंगे। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, यहाँ पे सिर्फ 45-45 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिनके लिए आपको मतलब देखना होगा कि किस तरीके से आप उनको मैनेज करते हैं। आपकी OMR शीट पर किसी भी टाइप का कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो भी रफ वर्क करना है, वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में करिए या फिर एक एक्स्ट्रा शीट मांग लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन पेपर में ये रख के लिए सामान दे रखा होगा, बस स्पेस दे रखा होगा कि वहां पर आपको करना है। जब आप इन क्वेश्चंस को भी अगर आप अटेम्प्ट कर जाते हैं
उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बचाना होगा आपको, ताकि एक बार आप वापिस से पूरा पेपर दोबारा चेक कर सके कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छूटा है या कोई क्वेश्चन गलती से रह गया हो। ऐसा भी होता है, क्वेश्चन कभी कभी हमें आता है, हम निकल जाते हैं। हमने अभी फोर्थ का आंसर किया, फिफ्थ एस्केप हो गया ना चाहते हुए, और हम छठे का आंसर कर रहे होते, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। और सबसे पहली बात, बहुत ही काम डाउन होकर आपको पेपर करना है, मतलब आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि नीट बीट मतलब जो भी है। इसके अलावा जैसे अगर आप पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, अगर जैसे मान लो बायो के 90 में से 80 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंबाइनली 20-20 क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्ट कर देते हो, करेक्ट करने का मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट नहीं है, तो आपका टोटल मार्क्स जो हो जाता है वो हो जाता है इतना 480। तो 480 मार्क्स ये क्वालिफाई की गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई नहीं, आपको कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के अंदर सीट भी जरूर मिल जाएगी, बट आपको टारगेट रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा मिस करेक्ट करो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, प्लीज उस क्वेश्चन को हाथ मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए, उसी में ही बढ़िया होगा, उसमें ही ठीक होगा। तो बाकी अब 6 तारीख को नीट का एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी टाइप की वीडियो के लिए या फिर किसी भी वीडियो के लिए, किसी भी सजेशन के लिए, डाउट के लिए, आपको कुछ भी पूछना हो, प्लीज हमें कमेंट करें, हम उसको जरूर मतलब देखेंगे या फिर उसको सुलझाएंगे जरूर। थैंक यू।